सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है लल्लू भाई यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने तो गाड़ी से बोर खाते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने जानते हैं अपने हाथों की मदद से भी 100 फीट से अधिक बोर खान देते हैं? वो कैसे, चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ। अभी तो खान नहीं रहे हैं लेकिन बताता हूँ। तो देख सकते हैं हम लोग अपने हाथों की मदद से हम लोग बोर खान रहे थे। देख सकते हैं अभी समथिंग हम लोग 40 फीट तो कोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ समस्या आ गया है, तो उसको भी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग अपने हाथों की मदद से खाते थे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पानी भरवाते, और यहाँ देख सकते हैं हुंडा भी लाए हुए हैं किराए पे, और इधर देख सकते हैं हम लोग जुगाड़ बनाए हैं। ये सीढ़ी है और वह ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सीढ़ी टाइप का है, ये देख सकते हैं। इसमें चहकते हैं, इसमें पाइप को ऊपर नीचे करते हैं। तो देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें चहक कर पकड़ते हैं पाइप, जब यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस, आप लोग भी इधर सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी तो हटा जा रहा होगा अगर ये हुंडा चढ़ रहा होगा, तो नहीं गाइस, हम लोग यहाँ भी जुगाड़ बनाए हैं सर। यहाँ मतलब वहाँ कुआं है, तो कुआं से पानी यहाँ लाते हैं और पानी यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि अगर सामने रहेगा तो प्रेशर थोड़ा अधिक देगा ना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से अगर यहाँ करेंगे तो पानी कहाँ आएगा, यहाँ। तो यहाँ पर मतलब कटोरी रहता है, मतलब इससे भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो यहाँ से अगर जाएगा ना तो मतलब नीचे जाएगा, और उसी पे हम लोग मतलब पर मान लीजिए पिसन है तो क्या बोलें, पाइप जो रहता है ना जो कोड़ने वाला, उसमें अगर पानी डालते हैं तो पानी के प्रेशर से हम लोग अपने हाथों की मदद से ऐसे ऐसे मतलब हिलाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ढो भी लेते हैं, अब क्या ही बोलने। अगर चलिए का दिन का इसमें आप सभी को जरूर बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। तो पता नहीं अगर पुनः कोड़ेंगे तो, और हम लोग का तो पैसा बर्बाद हो गया है गाइस, कैसे बोलें। अब देख सकते हैं इधर मशीन लाए हैं किराए पे, और प्लस हम लोग डाले इसमें तेल डाले 1000-1200 का इसे करीबन, और मोटर वगैरह भी लाए हैं किसी किसी का, और ये सब पाइप जो देख रहे हैं ना, ये सबको तो हम लोग बाद में लाए हैं गाइस। हम लोग देखिए किसान आदमी है गाइस, तो क्या ही बोलिएगा। तो किसान को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा, पानी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहीं पर देख सकते हैं गेहूँ वगैरह फसल उसल लगाए हैं, तो अभी कुछ दिन पानी आ गया तो चलिए बन गया, अगर नहीं आता तो हम लोग का गेहूँ तो सफा हो जाता भाई, मतलब मर जाते। और देख सकते हैं इधर गोभी वगैरह टमाटर और उधर लहसुन है, तो क्या ही बोलेंगे इस। हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ, चलिए बताता हूँ। हम लोग जब कोड़ रहे थे, हम लोग तो कोड़ने में 1 सप्ताह लग गया भाई, तो अभी नहीं कोड़ने पाए, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग का स्टोरी सुनाता हूँ आप सभी को। जब हम लोग कोड़ रहे थे तो बाज रहा था, मतलब हम लोग सोचे कि पखल होगा ना, तो पखल नहीं था, वो जो टूटा था ना वो कटोरी नीचे वाला वो वाला था, तो वही से हम लोग इधर थास रहे थे। हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग तो सोच रहे थे भाई पखना फंस गया, वो पखना के नीचे पानी होगा। तो हम लोग वैसे हैं 2 दिन ऐसे हैं टाइम पास कर दिया भाई, तब फिर 2 लोग को और बुलाए थे कोड़ने के लिए, कि वहाँ पखन पड़ गया है चलिए कोड़ने लगना, तो उन लोग भी आए भाई कोड़ने, तो उन लोग सोचे कि चलिए उसको निकाल के देखते हैं काहे नहीं जा रहा है भाई। तो ऐसे करके हम लोग उसको निकाले, और निकाल के देखे तो क्या भाई, वो पाइप तो टूट चुका है, और वो जो पाइप तो था ना वो टचका चुका है, क्योंकि देखिए लोहा से लोहा टकराया तो फिर ठुकराया, मतलब वो नया गया, तो वो नीचे चला गया और ऊपर वाला हिस्सा हम लोग का 2 दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। और दो दिन तो निकालने में लग गया, मतलब निकलवे नहीं किया, बहुत प्रयास किया, और निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं छड़ भी कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर करके लाए हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ा छड़ है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग बताइए ना, अब निकलवे नहीं कर रहा है। तो हम लोग का पैसा मतलब मशीन हम लोग लाए थे, पाइप वगैरह ये सब किराए पे लाए थे, हम लोग सोचे थे कोड़ेंगे और पहुंचा लेंगे, तो अब क्या ही बोलें, हम लोग का काम तो बना नहीं। तो गाइस कैसा लगा हम लोग का यह वीडियो, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे कोड़ते हैं अपने हाथों की मदद से। अभी तो नहीं कोड़ रहे हैं, अगर बाई चांस अगर पाइप को अगर हम लोग यहाँ जो गया है ना नीचे उसको अगर निकाल लेते हैं जो टूटा है उसको, तो कोड़ा जाएगा, अगर फिर लाने मारेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।